नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 14 अप्रैल गुरुवार, राजस्थान के आज की दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 69 IAS बदले गए, करौली कलेक्टर का भी हुआ ट्रांसफर। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा ही प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 69 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। करौली हिंसा के 10 दिन बाद कलेक्टर को भी बदल दिया गया है। आपको बता दें कि करौली कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को हटाकर उन्हें अब विभागीय जांच आयुक्त लगा दिया गया है। करौली के अलावा बांसवाड़ा, अलवर, प्रतापगढ़ और जालौर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के संभागीय आयुक्त भी बदले गए हैं। विवादों में घिरे अफसरों को बदल दिया गया है। अलवर कलेक्टर रहते विवादों में रहे ननुमल पहाड़िया का भी तबादला कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि टीना डाबी के मंगेतर को भी ससेवाले में एंट्री मिली है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दांडी यात्रा का बॉर्डर पर करेंगे सीएम स्वागत। सीएम अशोक गहलोत वासनिक और डोटासरा 15 अप्रैल को आएंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के साबरमती से निकली दांडी यात्रा का 15 अप्रैल को राजस्थान रतनपुर बॉर्डर पर प्रवेश होगा। इसका सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वांसिक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे। तीनों नेता जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि आगे हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालाना स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर को संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको बता दें कि गरीबों की नई घोषणाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। हालांकि एक रिपोर्ट के जरिए आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर, करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू, 2 दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार, वाहनों के आवागमन की भी छूट। करौली शहर में 2 अप्रैल को 9 सवंतर की बाइक रैली पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ के बाद कर्फ्यू का दौर और जारी है। प्रशासन ने कर्फ्यू की सीमा आपको बता दें कि 17 अप्रैल सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, राजस्थान में कल से फिर वर्षेगी आग, 16 जिलों में लू का अलर्ट, 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। आपको बता दें कि 18 अप्रैल तक 16 जिले रहेंगे लू की चपेट में। राजस्थान के कई शहरों में गुरुवार को दिन में धूल भरी आंधी चली, दोपहर बाद जयपुर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी दे डाली है। कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार जाने की आशंका है। वहीं आपको बता दें कि गर्मी का ये रूप शुक्रवार से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहर गर्म हवाओं की चपेट में भी आ सकते हैं। प्रदेश में 18 अप्रैल तक गर्मी तेज हो जाएगी और आधे जिले लू की चपेट में आ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर के अलावा गंगानगर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा जिले शामिल हैं। धूल भरी आंधी के बाद बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अभी प्यासे रहिए, राजस्थान में कल नहीं चलेगी वाटर ट्रेन। पीएसटी ने कहा, गलती रेलवे की, रेलवे अधिकारी बोले हमारे पास ऑर्डर ही नहीं। पाली की प्यास बुझाने के लिए वाटर ट्रेन 4 दिन बाद 18 अप्रैल को पहुंचेगी। ट्रेन के वेगत भगत की कोठी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें पानी भरने और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए 2 दिन का समय लगेगा। पहले जोधपुर से ये ट्रेन 15 अप्रैल को पाली आनी थी। अधिकारी ये बात सिपाते रहे हैं कि वाटर ट्रेन इस बार भी देरी से पहुंचेगी। दरअसल पाली जिले में जल का संकट गहरा गया है, ऐसे में वाटर वैगन ट्रेन का चलाने का फैसला हुआ है। कोटा से सलगर ट्रेन जोधपुर पहुंच भी गई है, 15 अप्रैल को ये ट्रेन पाली पहुंचनी थी। ऐसे में ट्रेन की देरी से पहुंचने की वजह रेलवे और पीएसटी के अधिकारी एक दूसरे को बता रहे हैं, इसीलिए लगेगा 2 दिन का समय। दरअसल ट्रेन के वैगन से पानी में पानी को खाली करना पड़ेगा। वाटर ट्रेन के वैगन खाली करने के लिए हर डिब्बे के नीचे होल और पाइपिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। ट्रेन की रैक में लगे हर वैगन का फ्लेंज डाया का साइज अलग होता है, वो पहले नहीं बन सकता। इसके लिए ट्रेन ट्रैक पर खड़ी होगी, तब इम्प्रेशन यानी नाप जोक लेकर पाइप जोड़ने वाली टेप लगाए जाएंगे। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5 पॉइंट्स पर राजस्थान में बीजेपी करेगी चुनावी तैयारी। राजस्थान बीजेपी में चुनावी बदलावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने 5 पॉइंट पर फोकस रखते हुए सभी मोर्चा प्रकोष्ठ विभागों को काम करने के लिए कहा है। 5 पॉइंट्स पर फोकस रखकर चुनावी तैयारी की जाएगी। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अभी भी आपको बता दें कि रिश्वतखोर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। 20,000 रुपए की घूस लेते जयन गिरफ्तार। जयपुर एसीबी ने फैक्ट्री मालिक के विद्युत कनेक्शन लगाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली कंपनी के एक कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया है। अब बात कर लेते हैं, सीएम अशोक गहलोत ने आज झालाना स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित किया। इसी दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नारा दिया है कि शिक्षित बनो और आगे बढ़ो का नारा दिया है।
भीमराव अम्बेडकर के इस नारे को आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आत्मसात करते हुए दलित समाज को अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आगे बढ़ने की ललक पैदा करनी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। नॉन आरएस के आपके बन रहे हैं आईएस बन रहे हैं, गरीब में लड़ रहा हूं वो रहे हैं। 17 साल तक आरएस वालों का भी मुकदमेबाजी हो रही थी, 17 साल तक। मैंने उसको ठीक करवाया और 17 साल के बाद में के रिटायर हो गए तो ही आईएस बन गए बेचारे, कोई कमी नहीं रही। अभी 1.5 साल बने विनय ने, तो कहने का मतलब ये गंजा मना ये डॉक्टर लोग देखते हुए ममता भूपेश का पति के बन गया, ये गंदे से नहीं होनी चाहिए ममता भूपेश को, लोकसभा के मंत्री है तो बनवा दिया, हमारी आलोचना होती है। और घरे बात यह है, ईमानदारी की बात करो, ईमानदारी की बात करो, इसका इंटरव्यू शानदार हुआ था यूपीएससी के लिए, इसी बना और गवाह है सुनो, गवाह है तो ये मैं हारी नहीं बैठे हुए, ये गए थे इंटरव्यू के अंदर, लगता है कि प्रश्न हो जाता भाई ये तो हो ही हो गया, मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, फलाना का भतीजा है, ऐसा नहीं को भी योग्य तो भी काम आती है। तो घनश्याम को मैं बधाई देना चाहूंगा, तुम ममता के बर्तन में जो ममता ने बना देते रहते ये फिर हमेशा तेरे पे हावी रहेगी, ये मैंने तेरे बनाया आयुष बना दिया, आयुष बना दिया। वैसे ममता भूपेश में घर से राजनीति करने के तो मानना पड़ेगा, बोलती भी है करती भी है राजनीति जानती भी है। प्रमोशन आरक्षण अपना बताइए, आज कंट्री में कहीं नहीं प्रमोशन आरक्षण, या मेरे खिलाफ में मिशन 72 बन गया था, याद कर रहा हूं याद है। और जज साहब थे चीफ जस्टिस साहब, वो कहते थे दुनिया के कोई वकील आ जाए तभी मैं बदलने वाला नहीं हूं, ये मैं खत्म करके रहूंगा आरक्षण प्रमोशन आरक्षण, ये कहा था मानू आपको। बड़ी बहुत बहंगे चली थी यहां पर, मैंने पूरा स्टैंड लिया कि नहीं प्रमोशन आरक्षण बना के रहेंगे। रामविलास पासवान के वक्त में कानून बना था वहां पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कानून को और शर्तें लगा दी। वो लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी गई हमारे द्वारा, कई महीनों तक चलती रही, आखिर में जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बन गए बाद में कबीर, उनके वक्त हम जीत गए। आज आपके यूपी में तो अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया आरक्षण, जो था प्रमोशन हमने लागू करने दिखा दिया। हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आरक्षण प्रमोशन में है, ठीक है। अब आप बताइए, उसके बाद चुनाव आए, आपने हमें साफ कर दिया, चला गया 72 चला गया और वो पता नहीं कहां चला गया आरक्षण कहां चला गया। शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता सरकार बनती दिमाग में रखा, आप ताकत कम नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। देखिए आप बताइए, इतना बड़ा काम हमने किया, लड़ी 72 वालों से, 72 में जनरल कास्ट भी थी, ओबीसी भी थी, सब लोग थे, वो भी चले गए कहीं नहीं और आप भी नहीं चले गए, हम तो 21 में रह गए, सरकार बदल गई हमारी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कोई कमी नहीं रखी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हमने, क्या कदम चलेगी बड़ा होगा तो जरूर करूंगा, या आप निश्चिंत रहो मेरी कलम बिना चलती है, आप नहीं मांगो तो ही भला होगा। अब पूरे कर्मचारियों पूछो तुमने ओपीएल माना है क्या, राजस्थान के कर्मचारी पूछो आपने किसी ने कहा क्या वो लेते हैं लागू करो, एक आदमी ने मांग नहीं करी कि हमें ओल्ड पैन लागू करो, हम इनसिक्योर है, 35 साल बाद में पता नहीं कितनी पहने मिलेगी हमें, क्योंकि पैसा जमा हो रहा था वो हो रहा था शेयर मार्केट के अंदर,
अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूक्रेन युद्ध हो गया तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेचारा 35 साल तक सरकारी सेवा भी करे, हम चाहते हैं सुशासन दे वो, और टेंशन के दिमाग में रहे कि पता नहीं मेरा 35 साल बुढ़ापे के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी। इससे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये मान्य दृष्टिकोण था मेरा, किसी ने मांगी नहीं। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में ये फैसला वेलकम करे लोग, केंद्र सरकार दबाव में है, मोदी जी खुद दबाव के अंदर है, दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। और मैंने एक झटके के अंदर बिना मांगे हुए मैंने ओपीएस लागू कर दिया राजस्थान के अंदर, और मान्य दृष्टिकोण से किया। इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं होती है दुर्भाग्य की, छुआछूत, मानवता पर कलंक है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती मना रहे हैं, तो इस मौके पर गोली उतार की घटनाएं या छुआछूत, इतने बड़े क्या शर्मनाक बात हो सकती किसी के लिए कि मानव पैदा होता है तो एक सा होता है, ईश्वर ने सबको एक बनाया। हम सब हिंदू है, हिंदू हम नहीं है क्या? गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, तब भी राजनीति जाति धर्म के नाम पर चलती है, जाति के नाम पर चलती है। शेड्यूल का हर मीटिंग होती गाँव में अलग बैठाया जाता है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता आपको मालूम, मुझसे ज्यादा मालूम आपको है। तो इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, बाबा साहब ने यही कहा, शिक्षा और